तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ डेटा वैलिडेशन के बारे में। जी हाँ, डेटा वैलिडेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट लिख रखा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे इस किसी कॉलम में कोई टेक्स्ट एंट्री ना कर सके और ना ही कोई डेसिमल में, निगेटिव में इस तरह के नंबर लिख सके। तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन में गए और डेटा वैलिडेशन में ही मैंने यहाँ पे होल नंबर को सिलेक्ट कर लिया। बिटवीन के जगह पे मैं यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे मिनिमम नंबर में 0 देके ओके कर दिया। अब यहाँ अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ तो ले लेगा। अगर नंबर डेसिमल में दिया तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर माइनस में कोई नंबर देते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये देना है, मतलब कि डेसिमल में होना चाहिए, बाकी चीजें ना हो। तो आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ डेटा वैलिडेशन में होल नंबर की जगह पे डेसिमल सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पे जो कंडीशन है कंडीशन दे दीजिए, जिसके मैंने यहाँ पे दे दिया इज ग्रेटर देन और यहाँ पे 0 दे दिया। अब इसमें टेक्स्ट सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइनस एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इसमें डेसिमल एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद लिस्ट की बात करें तो मेरे पास कुछ सिटी लिस्ट है दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ सिटी लिस्ट यहाँ इसके अलावा कोई न शो, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। डेटा वैलिडेशन में गया, इसके बाद हमने लिस्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ हमने लिस्ट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आके हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके एंड ओके। अब यहाँ देख सकते हैं कि इन लिस्ट के अलावा कोई चीजें सिलेक्ट नहीं होगी, सिर्फ यही लिस्ट सिलेक्ट होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिस्ट मुझे कहीं पे है, मुझे खुद लिस्ट को बनाना है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ हमारे पास मान लीजिए क्वार्टर है, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, मैं बनाना नहीं चाहता। तो डेटा वैलिडेशन में आप डायरेक्ट लिस्ट में जाके लिख सकते हो कि लिस्ट यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो गया हमारा क्वार्टर 1 कॉमा क्वार्टर 2 कॉमा क्वार्टर 3 कॉमा क्वार्टर 4। ओके कीजिए, यहां से क्वार्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से सिंपली। उसके बाद यहाँ पे हम मान लीजिए मोबाइल नंबर हम देना चाहते हैं। मोबाइल नंबर देने के लिए हम लेंथ को सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डेट टाइम भी है दे सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ पे हम डायरेक्ट जंप करते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर का लेंथ हमने 10 कर दिया कि लेंथ जो है 10 डिजिट से कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां जैसे आप 10 डिजिट से कम लिखेंगे आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो मैसेज दे रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या हम अपने हिसाब से मैसेज दे सकते हैं? जी हाँ, कॉस्ट दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इनपुट मैसेज में गए और यहां पर लिख दिए एंटर मोबाइल नंबर और यहां पे एंटर दबे ओनली नंबर दिया। ओके, नंबर अब ओके कर देता हूं तो ये मैसेज शो हो रहा है। जैसे इस पर कर्सर जाएगा मैसेज शो होगा, लेकिन मैं चाहता हूं जो गलत टाइप करे तो मैसेज शो हो, तो उसके लिए अलर्ट आपको देना पड़ेगा। यहां अलर्ट में अलर्ट यहां पे आप लिखते रॉन्ग टाइटल हो गया, रॉन्ग मोबाइल नंबर, यहां पे प्लीज चेक प्रॉम्प्ट एंड री एंटर। ठीक है, इससे क्या होगा कि जब आप गलत लिखेंगे तो आपको बताएगा, बता रहे हैं सर। अच्छा, इसके भी तीन ये है सिचुएशन है। अगर आपने स्टॉप सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है किसी भी कंडीशन पे वो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने वार्निंग दे दिया यहां पे, तो क्या होगा कि आपका यस करने पे एंट्री एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, और वार्निंग के जगह पे इंफॉर्मेशन दे दिया तो जस्ट इन्फॉर्म करेगा, क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, जस्ट इन्फॉर्म करेगा। जी सर, जी सर, तीन कैटेगरी होते हैं, दे सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम, मतलब कि क्या हम इसमें नंबर में फॉर्मूला दे सकते हैं, जैसे कि अकाउंट नंबर।
मैं चाहता हूं कि इसमें कोई डुप्लीकेट एंट्री ना कर सके। तो बोलेगा सर उसके लिए डेटा वैलिडेशन था, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग था। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो था और डेटा एंट्री ना कर सके में नहीं था, वो था कि आपका डेटा एंट्री होने के बाद वो हाईलाइट कर देता था कि हाँ इसमें ये नहीं होगा। बट मैं यहां हाईलाइट नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहां करना चाहता हूं सिर्फ एंट्री एक्सेप्ट नाउ, लिख ही नहीं पाया, हाईलाइट नहीं, जरूरी नहीं है। तो यहां हम चले जाएंगे सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह पे कस्टम, जहां हम फॉर्मूला दे सकते हैं। यहां हम लगाएंगे काउंट इफ का फॉर्मूला, काउंट इफ, और काउंट इफ में हमने पूरा आई बाई आई कॉलम ले लिया और यहां आई टू ले लिया और बोला कि एक ग्रेटर देन वन होना चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो रिसीव करेगा ही ना, करेगा नहीं, सॉरी इक्वल टू वन, ए इक्वल टू वन होने पे एंट्री लेगा, ग्रेटर देन वन होने पे एंट्री नहीं लेगा। तो इक्वल टू हमने वन कर दिया एंड इसको करते हैं ओके। फिर इसको कॉपी करके एक लोकेशंस में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहां करते हैं हम पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में हम यहां वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब जैसे मैं यहां पे वन एंट्री किया, नीचे आए तो ये दूसरा एंट्री एक्सेप्ट नहीं लेगा, एक एंट्री एक ही बार लेगा, दो बार नहीं लेगा। तो इस तरह से इसके अंदर हम डाल सकते हैं, ठीक है सर, क्लियर जी सर। है। अब ये व्हाट इफ एनालिसिस में आप देख सकते हैं गोल सीक है, डेटा टेबल है। जैसे गोल सीक मतलब यहाँ 20 है हमारा, यहाँ पे 30 है हमारा, इन दोनों के बीच में इन 30 है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 600। बट मुझे 600 नहीं, मुझे यहाँ पे 620 चाहिए। क्या चाहिए, या फिर मान लीजिए 1000 चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ व्हाट इफ में जाके गोल सीक को सिलेक्ट करेंगे और हम बोलेंगे टू वैल्यू, तो टू वैल्यू में हमने बोला 1000 किसको चेंज करना है, तो हमने बोला कि भाई जो 30 है ना, 30 को चेंज करना है एंड ओके। ये चेक करेगा और इसको ऐसा अमाउंट डाल देगा जिसकी जिससे आपका रिजल्ट 1000 हो जाए, ठीक है सर। इसके बाद इसमें आता है फोरकास्ट सीट, फोरकास्ट सीट को एक बार देख लेते क्या करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मंथ डाल दिया कि भाई पहले महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां महीना है हमारा और ये हमारा सेल हो गया, कि पहले महीने में 10 सेल था, दूसरे महीने में 12 हो गया, तीसरे महीने में 15 हो गया, चौथे महीने में गिर के 14 हो गया, फिर 20, पांचवे महीने 20 चला गया, 18वें महीने 22 था, और सॉरी सातवें छठे महीने और सातवें महीने 25 हुआ। तो आठवां महीना, नौवां महीना और दसवां महीना क्या होगा, ओके। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम यूज करेंगे फोरकास्ट सेट, इसको सेलेक्ट कीजिए और फोरकास्ट पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आपको फोरकास्ट एंड कहाँ चाहिए, 12वें, मुझे बताता हूँ, मुझे 12वें महीने तक चाहिए। तो ये बता रहा है ना 12वें महीने कि सेल गया और 12वें महीने का ये फोरकास्ट करके ही दे रहा है आपको। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट क्रिएट होगी, उसमें ये फोरकास्ट सीट भी आ जाएगा और फोरकास्ट के तीन वो दे दिए यहाँ पे, ठीक है, कि लोअर कितना जाएगा और अपर कितना जाएगा, एवरेज कितना रहेगा, ओके सर, ओके। तो जी फोरकास्ट सीट यहां पे आता है, बाकी जो सब टोटल फॉर्मूला था आप यहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो ग्रुप कर देता है, लेकिन खास इसमें नहीं है। रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आप पढ़ सके, नॉर्मल चीजें हैं। व्यू के अंदर भी आप देखें तो व्यू है, पेज ब्रेक व्यू, पेज ब्रेक व्यू है, इसके बाद ये फॉर्मूला बार ला सकते हैं, हटा सकते हैं, हेडिंग ला सकते हैं, हटा सकते हैं, ग्रिड लाइन ला सकते हैं, हटा सकते हैं, जूम कर सकते हैं, न्यू विंडो कर सकते हैं, मतलब कि एक ही फाइल के दो अलग अलग विंडो बन जाएगी। फ्रीज पेंस पता है कि नहीं सर, पता है सर, हेडिंग को और विंडो, रो ए कॉलम हाँ, को। रो एडिंग को हेडिंग कर सकते हैं और कुछ क्लासेस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमारा, हाँ माइक्रो सर, माइक्रो आपके इस पार्ट का नहीं है, माइक्रो अलग चीज है, माइक्रो माइक्रो एक पार्ट का है सर,
कोडिंग पार्ट का इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सर ऐसे एक्सेल बता में देता सर हूँ, नाम तो एक्सेल नहीं में होता, नहीं होता, दूसरा बता दीजिए सर। नहीं अगर आप करते भी तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने रिकॉर्ड मैक्रो कर लिया, रिकॉर्ड मैक्रो मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा, हमने यहाँ पे दे दिया नेम लिखा, हमने यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो में जाके स्टॉप कर दिया, तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जब इसको रन करेंगे तो उसी लोकेशन में नेम लिखा हुआ आ जाएगा, समझे। और इसने जो यूज किया है, ए प्रोग्रामिंग यूज किया है, क्या यूज किया है, ए प्रोग्राम। जब तक इस प्रोग्रामिंग को समझेंगे नहीं, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, अब जो अगला चैप्टर जो लास्ट